आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं क्या है, तो उस क्रम से उत्तर देखिए। तो अच्छा जी बताओ। देखिए, एक तो जो बच्चे श्लोक सुनावे वो श्लोक शुद्ध हो, और उस श्लोक की पूरी उसमें कौन सा छंद है, उसमें संधि समास कारक और उसके शब्दों के जो रूप हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। वो श्लोक जो वही बच्चे जो है सुनावें जो उनको पूर्ण से तैयार हो, और कोशिश करें कि सरल श्लोक हो जिसमें कम से कम माने फंसने की वो हो, जिसमें वो कहीं ऐसा ना अटक ना जाए, या तो फिर इतने में अभी इंटर स्टेजिटी तक जो बच्चे हैं इतने प्रभुत्व होते नहीं जी। तो हर शब्द का जितने शब्द हैं उनके छंद का लक्षण, और उसमें हर प्रति शब्द एक शब्द में जो संधि हो कौन सी संधि है, और वो संधि का समास सहित कारक, एक तो ये। और दूसरी बात ये है कि कुछ अनुवाद जरूर हो करने में। अच्छा अच्छा, ये शब्द अनुवाद जो कम से कम इंटर स्तर के लिए विभक्तियों से कारक से संबंधित, तो वो ही बच्चों से पूछा जा सकता है। शब्द रूप धातु रूप जितना इनके कोर्स में है उसको भी ऊपर डालें। कुछ है वाच्य परिवर्तन पर ही पूछते हैं, कई बार हम तो जब वहाँ रहे जीते रहे तो उस पर भी पूछा जा सकता है। तो ये इंटरमीडियरी अच्छा है, इसमें जो बच्चे इसमें आपके हैं जिनको नंबर एक दो दो 40 से ऊपर दिया हमने जी, 45 दिया है, 43 दिया है, कुछ 27-28 में भी है। तो इसका माने कि जिसने बहुत जल्द शुरू में 3-4 बच्चों ने बहुत अच्छा किया है जी। बहुत अच्छा किया है, जो आजकल का स्तर है उसमें बहुत अच्छा है। क्योंकि हम तो पिछले साल वहाँ गए थे रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में एमए का मौकी रहने, तो बहुत ही दुख हुआ, किसी आदमी भाई पटका ही रूप बता दो, सब चाहते थे कि नहीं 90 दे दें 85 दे दें, तो बहुत तकलीफ होती है। उस दृष्टि से बहुत अच्छा है, तो एक निडर होकर जाए और अपना कारक जरूर देख लें, कारक संधि समास का वो बड़ा उसका पूछ सकते हैं, सिलेबस में भी है। और जो श्लोक सुनावे वो श्लोक वही हो, नीचता का हो या अभी क्या शाकुंतल का हो, तो जो सरल सरल हो। जैसे एक बच्चे ने सुनाया अन्य बहनों का विरत्वात अंतर्गूढ़ घनभ्यथा, सरल श्लोक है लेकिन इसमें सारे प्रतिपद का अंतर्गूढ़ सब कैसे बना ये पूछ सकते हैं, पुटपाक क्या है, प्रतीकास क्या है, तो इससे जो है भिन्न में सब कैसे बना कौन सा, ये सब ध्यान दे दें। ठीक है, चाहे क्योंकि इसका बड़ा महत्व तो है, वो पैसा देने पर भी फिर मामला गड़बड़ाता है, फिर नहीं होता, कोई बचा नहीं पाता। अच्छा सर, ये कारक वगैरह से सूत्र पूछते हैं कि सिद्धि वगैरह करने को कहते हैं? नहीं नहीं, वो कारक को सूत्र उदाहरण सूत्र की बहुत अच्छी थी, तो अच्छे से व्यवहारिक धारण भी होगी, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे कुछ बच्चे तो आज हमको बड़ा तकलीफ हुई उसका वो भार्गव कम करके। नहीं सर, थोड़ा टफ सवाल था उनसे। नहीं था, बिल्कुल नहीं था, माने अगर पटुकरण नहीं है प्राणी जी का तो उसका बहुत अच्छा स्तर है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा है वो व्याकरण में अच्छी गति है, लेकिन व्याकरण कोई क्लेम नहीं करता, मरणांतम व्याधि व्याकरण बड़े लोग ऐसी तैसी कर देते व्याकरण, व्याकरण तो कोई कहे कि चूंकि आप लोग तो बहुत पढ़े हैं गुरुमुख से पढ़े हैं, और उस जमाने के बहुत सुयोग्य आचार्य भी होते थे, बिना व्याकरण गुरुमुख से पढ़े आता नहीं। जी, तो राठी भाई से हम पूछना चाहेंगे कुछ कि कैसे लगे बच्चे आपको आजकल के स्तर को देखते हुए, संस्कृत को देखते हुए, यद्यपि बच्चे केवल संस्कृत गंगा के नहीं थे, पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे आए हैं, और खासकर जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए ये हुआ कि बोर्ड में जाने के पहले एक बार जो उनके अंदर भय होता है, जो डर होता है वो दूर हो जाए, तो इसका प्रयास किया गया है। लड़के तैयारी से आए, बीते 18 तारीख से इंटरव्यू है, छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या अभी जो हमने अनुभव किया इसमें तीन प्रकार के बच्चे हमें दिखाई पड़े, एक तो वे जो बहुत अच्छी तैयारी रखते हैं, जिनके साक्षात्कार से हम लोगों को बहुत अधिक समझता है, जिनकी विस्पत्ति भाषा ज्ञान व्याकरण ज्ञान
कोश का ज्ञान, प्रतिपादन शैली, उच्चारण, इन सब में उनकी पकड़ है और अच्छी पकड़। तो ऐसे बच्चे तो टीजीटी, पीजीटी या हायर एजुकेशन के लिए भी, ऐसे बच्चे इसमें आए हैं जो हायर एजुकेशन के लिए भी हमें अर्घ दिलाई पड़ता है। कुछ बच्चे मध्यम स्तर के भी हैं जो पीजीटी टीजीटी के लिए, उनकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, थोड़ा सा परिमार्जन की आवश्यकता है। कुछ बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे कमजोर हैं उनकी स्थिति उच्चारण में भी कहीं सुधार की आवश्यकता है और शब्द रूप धातु रूप में भी पुनः उनको अभ्यास की आवश्यकता है, भाषी परिवर्तन में भी अभ्यास की आवश्यकता है। तो मिला जुला करके जो आज बच्चों को हम लोगों ने देखा, उनका परीक्षण किया, उससे जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि प्रथमतः बच्चे प्रथम प्रस्तुति तो उनके उच्चारण की है। जिस भी वाक्य को वो बोले, जिस भी श्लोक को बोले, वो बहुत शुद्ध तरीके से उनकी प्रस्तुति हो, क्योंकि पहला जो प्रभाव है उनके उच्चारण से। कुछ बच्चे ऐसे भी आए जिनका उच्चारण बहुत अच्छा था और व्युत्पत्ति भी उसी अनुरूप थी। कुछ बच्चे ऐसे आए जिनका उच्चारण बहुत अच्छा था, व्युत्पत्ति थोड़ी कमजोर थी। और कुछ बच्चे अच्छे आए, ऐसे भी आए जिनका उच्चारण बहुत कमजोर था लेकिन व्युत्पत्ति ठीक थी। तो अब यदि हम पहले उच्चारण सुनकर के धारणा पहले ही शुरू में बन जाती है कि बच्चा किस कैटेगरी का है, तो यदि उच्चारण कमजोर है और व्युत्पत्ति बहुत अच्छी है उसकी और इंटरव्यू बहुत देर तक नहीं चला, तो उसकी व्युत्पत्ति तक हम नहीं पहुंच पाए ठीक से, यदि कभी कभी होता है ना, एक संयोग की बात होती है, तो उच्चारण बहुत प्रभावशाली होता है कि आप उसके उच्चारण से एक उसके बारे में एक निष्कर्ष सोच सकते हैं कि बच्चा कैसा हो। तो मेरा तो हर बच्चे के लिए एक संदेश है कि सबसे पहले वे अपना उच्चारण बहुत शुद्ध करें, स्फुट उच्चारण उनका होना चाहिए, श्लोक का उच्चारण हो या वाक्य का उच्चारण हो, और ऐसा उच्चारण हो जिससे उनकी प्रतिभा उच्चारण में भी दिखाई पड़े। उसके बाद बच्चे भावार्थ जो बताते हैं वहाँ अन्वय को ध्यान देने की आवश्यकता, अन्वय के साथ वे अर्थ को बताना सीखे, और अन्वय करना यदि जान गए तो मुझे लगता है कि व्युत्पत्ति के द्वार खुल जाते हैं। संस्कृत के विद्यार्थी के लिए वस्तुतः संस्कृत भाषा का अभ्यास अनिवार्य होना ही चाहिए। यदि हमारी शिक्षा प्रणाली में ये माध्यम अभी तक अपनाया नहीं गया तो कम से कम अब इसे अपनाना चाहिए। बच्चों की कमी नहीं है, हमारे शिक्षण संस्थाएं जो है इनकी दुर्बलता है कि संस्कृत माध्यम को नहीं अपनाते, और ये दुर्भाग्य भी है देश का। तो मुझे लगता है कि इसको पुनः संस्कृत के जो विभाग है, संस्कृत के जो शिक्षण केंद्र है, वे संस्कृत के माध्यम को अपनाएं, संस्कृत में उनको बोलना पढ़ना लिखना सिखाएं और पुनः एक परिवेश को परिवर्तित करके संस्कृत में परिवेश बनाएं। ठीक।